सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जुलाई 1990 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से दिल्ली आने वाला विमान अपनी उड़ान भर चुका था। करीब 600 मील प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हवाई जहाज को अब सीधे दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन तभी अचानक विमान में मौजूद मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद हवाई जहाज को लंदन में रोककर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। पूर्वोत्तर स्पेशल में आज कहानी मिजोरम के एक ऐसे शख्स की जो पहले तो एक आतंकवादी था लेकिन बाद में बना मिजोरम का पहला मुख्यमंत्री। ग्यारह जुलाई 1927 पूरे हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत को हटाने की मांग चल रही थी। पूर्वोत्तर भारत से लेकर मौजूदा म्यांमार तक का इलाका अंग्रेजों के कब्जे में था, लेकिन इसी दिन मिजोरम के दक्षिणी हिस्से वाले लुंगलेई जिले में मिजोरम के मसीहा का जन्म हुआ था जिसका नाम था लालडेंगा। लालडेंगा ने 1944 में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में भारत के आजाद होने के बाद लालडेंगा को ब्रिटिश आर्मी छोड़नी पड़ी। 1958 से 1960 के दौरान मिजोरम में आए मौतम अकाल ने लालडेंगा को वहां का हीरो बना दिया था। इस पूरी समस्या से निपटने के लिए लालडेंगा ने खुद को आगे किया और मौजूदा असम सरकार के खिलाफ जंग शुरू कर दी। मिजोरम में आए फेमाइन यानी मौतम अकाल के बाद लोगों में भारत सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा था। मिजोरम में इस फैले असंतोष का लालडेंगा ने फायदा उठाया और शहरों और गांवों के पढ़े लिखे युवाओं को भड़काकर अपने साथ कर लिया। लालडेंगा ने इन सब लोगों को साथ लेकर नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम के एक संगठन की शुरुआत की जिसका मकसद मिजोरम में आए मौतम अकाल से लोगों को मौजूदा असम सरकार से मदद दिलानी थी। 1958 में आया मौतम अकाल जब 1960 में खत्म हुआ तो मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट से फेमाइन शब्द हटा लिया गया और नाम रखा गया मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF। लालडेंगा ने मिजो आदिवासियों और वहां के लोगों से मिजोरम को भारत से आजाद कराने का भरोसा दिया था, जिसके लिए लालडेंगा ने एक मिजो नेशनल आर्मी का भी निर्माण किया था और इस आर्मी में शामिल लोगों को हथियार और प्रशिक्षण के लिए 1964 में पूर्वी पाकिस्तान भी भेजा गया था। लालडेंगा की ओर से मिजोरम को अलग किए जाने की मांग को भारत सरकार ने 1965 में खारिज कर दिया था, जिसके बाद मिजो फ्रंट ने अपने विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं को और तेज कर दिया। मिजोरम की समस्या से निपटने के लिए 1966 में ब्रिगेडियर RJ काबराजी की अगुवाई में 61 माउंटेन ब्रिगेड को तैनात किया गया, जिसने काफी बड़े स्तर पर अभियान चलाकर मिजो फ्रंट पर काबू पा लिया। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद लालडेंगा सहित उसके सभी साथियों को मिजोरम छोड़ना पड़ गया, जिसके बाद लालडेंगा और उसके विद्रोहियों ने पूर्वी पाकिस्तान की चिट्टटोंग पहाड़ियों को अपना डेरा बनाया। लालडेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की इन्हीं पहाड़ियों के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियों को शुरू किया था, लेकिन कुछ ही साल बाद 1971 में बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान में हुए युद्ध के दौरान लालडेंगा को ये जगह भी छोड़नी पड़ गई। पूर्वी पाकिस्तान से भागने के बाद लालडेंगा ने एक बार फिर से अपना नया ठिकाना बनाया और ये जगह थी म्यांमार। म्यांमार की अराकन पहाड़ियों में लालडेंगा और मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोहियों ने शरण ली। मिजो नेशनल फ्रंट ने अब अपनी नजदीकियां चीन से भी बढ़ानी शुरू कर दी थी। लालडेंगा ने पहले 1972 और फिर 1974 में अपने दो बटालियनों को चीन भेजा, जो कि वहां से हथियार और पैसे लेने के मकसद से गए थे। ये दोनों ही दल 1975 और 1976 में वहां से भारी मात्रा में हथियार और पैसे लेकर वापस भी आए। इन सब के दौरान ही मिजोरम को भारत सरकार ने साल 1972 में केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया, जिसके बाद केंद्र सरकार का नियंत्रण वहां और भी ज्यादा मजबूत हो गया। चीन से मदद मिलने के बाद लालडेंगा एक बार फिर से बांग्लादेश के चिट्टटोंग पहाड़ियों पर पहुंचा और उसने भारतीय सेना के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया।
हालांकि इस बार भारतीय सेना ने थोड़े ही वक्त बाद मिजो नेशनल फ्रंट पर नियंत्रण पा लिया और लालडेंगा को भारतीय संघ के अधीन समझौते पर बातचीत के लिए राजी होना पड़ा। भारत सरकार और मिजो फ्रंट के बीच बातचीत की पहली बैठक 1978 में हुई, जिसका कोई बेहतर हल नहीं निकल सका। इसके बाद 1 अगस्त 1980 को हुई दूसरी बैठक में भी लालडेंगा की अनुचित मांगों के कारण भारत सरकार ने समझौते से इनकार कर दिया, जिसके बाद लालडेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट ने अपनी गतिविधियां और तेज कर दी। मिजो फ्रंट के रवैये के बाद भारतीय सेना ने भी मिजोरम के उन सभी इलाकों में फौज तैयार कर दी जहां मिजो फ्रंट के विद्रोही छिपे हुए थे। इसके अलावा म्यांमार की ओर से खुलने वाले पूर्वी रास्तों पर भी 202 माउंटेन ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया, जिसके बाद लालडेंगा की मिजो फ्रंट पूरे तरीके से भारतीय सेना के कब्जे में आ गई। 1984 तक आते आते मिजो नेशनल फ्रंट पूरे तरीके से पस्त हो चुकी थी। लालडेंगा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद लालडेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट भारत सरकार के साथ समझौते पर राजी हो गई और 30 जून 1986 को राजीव गांधी ने विद्रोहियों के साथ समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते के मुताबिक लालडेंगा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना था, जिसके बाद 1986 में लालडेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। अपने अंतिम दिनों में भी मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री लालडेंगा न्यूयॉर्क में ही थे और 7 जुलाई 1990 को इलाज कराकर भारत वापस आ रहे थे, लेकिन अचानक उनकी सेहत खराब हो जाती है, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बावजूद भी मिजोरम के मसीहा लालडेंगा को नहीं बचाया जा सकता है। इस तरीके से लंबे वक्त तक विद्रोही गुट का नेतृत्व और मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले लालडेंगा की लंदन में मौत हो जाती है।